कहते हैं ना कि मकान को घर बनाना पड़ता है, तो ये इंडोर प्लांट्स भी ना हमारे घर में जान डाल देते हैं, एक मकान को एक खूबसूरत घर बना देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि मुझे इंडोर प्लांट्स का कितना ज़्यादा शौक है और मेरे घर के हर एक कोने में आपको इंडोर प्लांट्स मिलेंगे और आप लोग हमेशा पूछते रहते हो इंडोर प्लांट्स के बारे में। इससे पहले मैंने अपना प्लांट कलेक्शन शेयर किया था, काफ़ी टाइम हो गया है उस वीडियो को, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। वैसे उस कलेक्शन में काफ़ी सारे और भी प्लांट्स ऐड हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडोर प्लांट्स यूज़ करके हम किस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं। वैसे तो प्लांट्स इतने खूबसूरत होते हैं कि घर के किसी भी कोने में आप रख दो वो सुंदर ही लगेगा, बट थोड़े से टिप्स और ट्रिक के साथ हम उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं और अपने घर को बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में डेकोरेट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी शेयर करूंगी जो आप बेडरूम में रख सकते हो, जो बहुत ही अच्छे एयर प्यूरिफायर होते हैं। तो आप देखते रहो, चलिए फिर शुरू करते हैं। कॉर्नर डेकोरेशन के लिए बिग प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनमें से एक है एरिका पाम, जिसको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। अगर आपके पास कोई बिग प्लांटर नहीं भी है तो आप कोई भी टॉल सा टेबल रखो, उसके ऊपर कोई भी डेकोरेटिव सा ट्रे रख लो, किचन से ट्रे ले लो और प्लांटर को उस ट्रे के ऊपर प्लेस करो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप अपने एंट्री वे को भी कुछ इसी तरह से सजा सकते हो। आप अपने सोफा के कॉर्नर पे कोई भी छोटा सा एक टेबल रख लो, बच्चों का चेयर रख लो और उसको एक ब्यूटीफुल कपड़े से कवर करके कोई भी मीडियम साइज का प्लांटर उसके ऊपर प्लेस कर दो। अब हम इस कॉफी टेबल को डेकोरेट करेंगे। जब भी किसी स्पेस को डेकोरेट करना हो, आपके पास जितने भी निकनैक्स हैं आप सारे एक जगह रख लो ताकि आप मिक्स एंड मैच कर सको। सबसे पहले मैं रख रही हूँ एक ट्रे, और बुक्स बहुत ज्यादा काम आता है हाइट इंक्रीज करने के लिए। जब भी किसी स्पेस को एक से ज्यादा चीजों से आप डेकोरेट कर रहे हो तो बहुत जरूरी हो जाता है डिफरेंट हाइट्स क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैंने बुक्स के ऊपर बुद्धा जी की एक स्टैचू रखी है, एक मनी प्लांट, कुछ कोस्टर्स और एक छोटू सा बर्डी। किसी भी टेबल पे प्लांटर को प्लेस करने से पहले एक बेस देना जरूरी होता है, तो आप कोई भी कोस्टर रख सकते हो, अपने आप DIY कर सकते हो या फिर कोई भी डेकोरेटिव प्लेट को भी प्लेस कर सकते हो। ये प्लांटर के ब्यूटी को और भी ज्यादा एनहांस करता है। किसी भी कॉर्नर को प्लांट से डेकोरेट करने के लिए प्लांट स्टैंड्स बेस्ट होते हैं। ये प्लांट स्टैंड मैंने आइकिया से लिया था सिर्फ $15 का। यस, ओनली $15। वैसे तो अमेजोन पे बहुत डिफरेंट तरह के मॉडर्न और ब्यूटीफुल प्लांट स्टैंड मिलते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली था। इनफैक्ट आप अपने लोकल कारपेंटर शॉप से भी बनवा सकते हो, बहुत ही ज्यादा बजट में पड़ेगा। सिंपल सा इसमें एक्रेलिक पेंट से इसको कलर कर दो या फिर गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर दो। ये छोटे छोटे DIY करके आप इसको और भी ज्यादा मॉडर्न लुक दे सकते हो। और somehow मुझे लगता है कि प्लांट स्टैंड जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, तभी तो हमारे ब्यूटीफुल से ग्रीन प्लांट्स जब उसके ऊपर रखे जाएंगे तो वो उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। प्लांटर के सबसे टॉप लेवल पे आप हमेशा कोई हैंगिंग प्लांट रखना, जैसे कि मैंने ये स्पाइडर प्लांट रखा है। आप मनी प्लांट भी ट्राई कर सकते हो। और पूरे प्लांटर को एक अच्छा लुक देने के लिए प्लांट्स के साथ साथ आप दूसरी डेकोरेटिव चीजें भी यूज करो, छोटा सा कोई स्टैचू, लैंटर्न, कैंडल या फिर बुक्स। इनफैक्ट एक क्यूट सा वाटरिंग कैन भी एक डेकोरेटिव पीस बन सकता है।
मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से ये ड्रॉअर लिया था और इसको एक्रेलिक पेंट से कलर कर दिया और इसके ऊपर प्लांट्स और कुछ लैंटर्न्स रख दिए हैं। आपके घर में जितने भी प्लांट्स हैं ना, ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को आप एक साथ एक जगह पे रखो। वो ग्रो भी बहुत अच्छे से करते हैं और लुक भी बहुत अच्छा आता है। वो कहते हैं ना, हम जब दोस्तों के साथ रहते हैं तो ज्यादा खुश रहते हैं, तो बस वैसे ही प्लांट्स जब दूसरे प्लांट्स के साथ में रहते हैं तो खुश रहते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। और साथ में ही आप एक क्यूट सा एथेनिक हैंडीक्राफ्ट वॉल हैंगिंग प्लेस कर दो तो ये पूरा कॉर्नर एक इंडोर गार्डन का लुक देता है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हो। कोई भी एक मैट्रेस रखो, उस पे एक अच्छी सी बेडशीट डालो, खूब सारे पिलोज, चारों तरफ प्लांट्स, लैंटर्न्स एंड फाउंटेन। आप इस तरह का एक जेन कॉर्नर बना सकते हो। जेन कॉर्नर के बारे में आप सर्च करके देखना, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये घर का ऐसा कॉर्नर होता है जो बहुत ही पॉजिटिव होता है, पीसफुल होता है। वहां पे बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हो, गर्म चाय की प्याली लेके अपने पूरे दिन की थकान को मिटा सकते हो। स्पेशली मैं यहाँ पे रहती हूँ कनाडा में, यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा हुई थी। इनफैक्ट इंडोर प्लांट्स रखना हमने विंटर्स में ही स्टार्ट किया था, क्योंकि घर से बाहर सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट स्नो दिखता है, ग्रीनरी नहीं दिखती थी। तो घर के अंदर जब ग्रीनरी दिखती है ना, जब बाहर का नेचर आपके घर के अंदर आ जाता है तो मन बहुत अच्छा लगता है। आप बिल्कुल डिप्रेसिंग फील नहीं करते हो, बहुत पॉजिटिव फील करते हो और आपकी सुबह स्पेशली बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे ही आप बेडरूम से निकलते हो और इंडोर प्लांट्स को देखते हो, आपकी बस गुड मॉर्निंग हो जाती है। हैंगिंग प्लांटर्स अमेजोन पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। मुझे जो भी लिंक मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चेक कर लो, फिर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप बाय करना चाहते हो कर सकते हो। मेरे घर में ये ऑप्शन नहीं है कि मैं हैंग कर पाऊँ, अदरवाइज मैं डेफिनेटली करती। और हैंगिंग प्लांट्स में दो प्लांट्स बहुत अच्छा लुक देते हैं, वन इज स्पाइडर प्लांट और नेक्स्ट डेफिनेटली हम सबका फेवरेट मनी प्लांट। आपको बहुत एक्सपेंसिव प्लांटर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। जो प्लांट्स नॉर्मल प्लास्टिक पॉट्स में आते हैं, आप उनको भी डिफरेंट वे से पेंट कर सकते हो। सिंपल डार्क कलर का एक्रेलिक पेंट कर सकते हो, उसके ऊपर पोल्का डॉट्स बना सकते हो, जस्ट लाइंस बना सकते हो। आजकल रोप बास्केट भी बहुत ज्यादा फेमस है, अमेजोन पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं रोप बास्केट के। आप अपने सिंपल से प्लांटर को रोप बास्केट में डालो और किसी भी कॉर्नर में रख दो, बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है। आप अपने बेडसाइड टेबल या फिर स्टडी टेबल पे भी प्लांट प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे टेबल के एक कॉर्नर पे मैंने कुछ बुक्स रखे हैं, उसके ऊपर एक लैम्प। और जब भी आप एक से ज़्यादा प्लांट साइड बाय साइड प्लेस करते हो तो मेक श्योर दोनों प्लांट के हाइट्स डिफरेंट होने चाहिए। और हाइट क्रिएट करने के लिए हम फिर से यूज़ करेंगे बुक्स। अगर आपके पास कोई भी स्पेस नहीं है ना, तो आप विंडो साइड पे छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स प्लेस कर सकते हो। टाइम टू टाइम उसको अच्छी वाली धूप भी मिलेगी और आपको भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने किचन को भी प्लांट से डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास ये सॉस का बॉटल था, मैंने उसमें मनी प्लांट का एक स्टिक डाला है। मनी प्लांट वाटर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, आप वीक में एक बारी इसका पानी चेंज कर दो। यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर एक ट्रे रखा है और दूसरी जरूरत की चीजों के साथ साथ मैंने एक छोटा सा प्लांटर प्लेस किया है। आई होप आपको ये होम डेकोरेशन के आइडियाज अच्छे लगे होंगे। और आप भी अगर अपने घर में कोई ग्रीन कॉर्नर बनाते हो तो मुझसे वो पिक्चर जरूर शेयर करना। आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप अपने प्लांट्स के पिक्चर्स भेजते हो। और अब आते हैं कि बेडरूम में आप कौन कौन से प्लांट्स रख सकते हो जो कि बहुत ही अच्छे एयर प्यूरिफायर होते हैं, आपको नींद भी अच्छी आती है। वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बट आज मैं आपको टॉप 5 बता रही हूँ। जीजी प्लांट, पीस लिली, स्पाइडर प्लांट, रबर प्लांट और स्नेक प्लांट। I
आई होप आपने आज के इस वीडियो को पसंद किया होगा, तो लाइक जरूर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस ब्यूटीफुल से हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब सारे प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। Roses at the side of a busy road, how I'm crawling for a worthy goal. At least I'm not alone in my apathy. There's more like me who don't know how to be, how to reach out to the open arms, how to reach out.